सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं रूप सर, एमपी हैंड रिटन मैप के द्वारा मैं आपके लिए लाया हूँ दूसरा टॉपिक। 40 टॉपिक करवाऊंगा, उससे आपका व्यापम का जो ग्रुप 2 का सब ग्रुप 3 है बाहर नहीं जाएगा एमपी का क्वेश्चन। ठीक, पहले चलते हैं दतिया में। ये मेरा एमपी के जलप्रपात, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस नंबर पर मैसेज करके मेरे ग्रुप से में भी ज्वाइन हो सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ, उससे भी ऐड हो सकते हैं। एमपी में जलप्रपात टॉपिक है। दतिया में सिंध नदी गुजरती है, वो दो वाटरफॉल का निर्माण करती है। पहला वाटरफॉल है टगोना वाटरफॉल और दूसरा है सनकुआ वाटरफॉल। अब शिवपुरी की बात कर लें, यहाँ से भी सिंध नदी गुजर रही है, तो ये तीन नदी का निर्माण कर रही है। सी से सुल्तानगढ़, याद रखने के लिए थे सुल्तानगढ़। पास से पावा पोहरी में पड़ता है, पोहरी जगह का नाम है, तो सुल्तानगढ़ और पावा पोहरी। शिवपुरी में भूरा खून, एक और पॉइंट याद रखें, शिवपुरी में है भूरा खून। तो तीन वाटरफॉल है अपने से सुल्तान भूरा पावा के पोहरी में मिलता है। सुल्तान भूरा शिवजी से पावा पोहरी में मिला, ऐसी लाइन से तीनों आ रहे नाम, सुल्तान भूरा शिवजी से पावा पोहरी में मिला। कोटा वाटरफॉल है, कोटा में चूलिया वाटरफॉल। मध्य प्रदेश की कई पुस्तकें हैं जो यहाँ मंदसौर में शो करती हैं इसको, ठीक है, नाम नहीं ले सकता मैं उनका, ये गलती है उनकी। तो कोट चूलिया में वाटरफॉल बनता है, भैंसरोड़गढ़ तहसील है, ये चंबल नदी पर सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। अब चलते हैं इंदौर में अपन, तो इंदौर में आप देखोगे पाताल पानी, झाड़ी डाहा, टिंचा फॉल। तो देखो अपन कहें टिंचा को या टिंचा फॉल, फॉल माने पानी गिरना, तो पाताल पानी से पानी गिर रहा था झाड़ी के नीचे, तीनों आ जाएंगे इंदौर में अपन को। देखें अब मांडू की बात कर लें मेरा, तो मांडू में काकरा खो, काकरा खो मांडू में, और मांडू में ही आपका बाज बहादुर और रानी रूपमती का प्रेम प्रसंग के लिए जगह प्रसिद्ध रेवा कुंड भी यहीं पर बना हुआ है। महेश्वर में सबसे इम्पोर्टेंट है सहस्त्रधारा, जो महेश्वर में पड़ता है। खंडवा में है नर्मदा, ये महेश्वर वाला जो वाटरफॉल है सहस्त्रधारा, ये नर्मदा में, इसकी विशेषता ये है कि नर्मदा में जब बाढ़ आई थी, जब इसका उद्गम हुआ था, तो सहस्त्रवाहु ऋषि थे जो लेट गए थे, जहाँ जहाँ वो ऋषि लेटे थे तो वहाँ वहाँ नर्मदा का पानी ऊपर चढ़ नहीं पाया और छोटी सी धारा लेके यहाँ से निकल गए, इसी कारण इसका नाम पड़ता है सहस्त्रधारा। तो महेश्वर में है सहस्त्रधारा वाटरफॉल। देवास में जामनेर में पहाड़ी पर एक पहाड़ी नुमा वाटरफॉल है, शंकर खो वाटरफॉल। तो देवास के से शंकर खो वाटरफॉल जामनेर। आज आ जाते अपन छिंदवाड़ा में, देखें तो छिंदवाड़ा में है लिलाही वाटरफॉल, जो धनोरा जगह पर पड़ता है, तो ये स्टार लगाना, लिलाही वाटरफॉल। कान नदी है ये, वो बनाती है लिलाही वाटरफॉल छिंदवाड़ा का, ठीक। और अनहोनी, तो कैसे आ रखे छिंदवाड़ा में कान नदी की लीला अनोखी है, तो तीनों आ जाएंगे नाम, छिंदवाड़ा में कान नदी की लीला अनोखी है। तो तीनों पॉइंट्स इसमें क्लिक हो गए आपके, लिलाही वाटरफॉल। इसके अलावा है कुकड़ी, कुकड़ी खापा, कुकड़ी खापा और मांडू में था काकरा खो, तो ये दो नाम में कंफ्यूज ना हो, कुकड़ी खापा ये अपना है कुकड़ी खापा। बालाघाट मलधर जलप्रपात है, देव नदी है जो अपनी 5230 की सहायक है। गांगुल वाटरफॉल है, यहीं पे प्राकृतिक नहल सेरा बांध का निर्माण
हुआ है। अब आइए अपन ऊपर चलते हैं, पचमढ़ी। पचमढ़ी में है जमुना, रजत, डचेस, बीफॉल। ये तीन तो आपको एकदम याद होंगे, पचमढ़ी बनते हैं डचेस, डचेस, बीफॉल, अप्सरा। ये चार जो वाटरफॉल हैं ये आपको इम्पोर्टेंट वाटरफॉल रखना है। धुआंधार बेड़ाघाट में बनता है, बेड़ाघाट वाटरफॉल है धुआंधार में। इसके अलावा दुग्धधारा, शंभुधारा, दुर्गाधारा और कपिलधारा ये अमरकंटक में बनते हैं। ये पांडव वाटरफॉल नहीं, ये पांडव गुफा है जो पचमढ़ी में पड़ती है। आप कंफ्यूज ना हो मैं इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ। ये आपको चारों याद रखने अच्छे से। रानहे वाटरफॉल ये खजुराहो में है, ये पन्ना खजुराहो जो है कैन नदी पे पड़ता है। पंडा में पांडव और गाथा वाटरफॉल, पांडव और गाथा वाटरफॉल पन्ना में रखेंगे। पूर्वा ये रीवा में टॉन्स नदी यानी तमसा पूर्वा वाटरफॉल का निर्माण करती है। अब आते हैं रीवा में केवट और बहुटी पियावन, ये तीन वाटरफॉल बीहर नदी पर बनते हैं। केवट जो है महासाना महाना नदी पर है जो बीहर की सहायक है। चचाई वाटरफॉल है जो बीहर नदी पर है, एमपी का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। तो ये आपके अपने एमपी के जो वाटरफॉल वाला टॉपिक हुआ वो हमारा कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मैं आपको 10 दिन के अंदर पूरी एमपी के जो मैपिंग की सहायता से पढ़ा दूंगा अच्छे से, जो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जो मैं ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है वो भी आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। आज केमिस्ट्री की वीडियो नहीं दूंगा क्योंकि मैं आज आउट इंदौर जा रहा हूँ वापस, तो ये आपको कल मिलेंगे केमिस्ट्री के।